हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा कंप्लीट नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है प्री टर्म एंड पोस्ट टर्म बेबी। आज हम प्री टर्म एंड पोस्ट टर्म बेबी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्री टर्म बेबी आर बॉर्न बिफोर गेस्टेशनल ऑफ। ऑप्शन ए 37 वीक्स, ऑप्शन बी 38 वीक्स, ऑप्शन सी 39 वीक्स एंड ऑप्शन डी 40 वीक्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए 37 वीक्स। क्वेश्चन में पूछा है जो प्रीटर्म बेबी रहता है वो कितने गेस्टेशनल एज से पहले ही बॉर्न हो जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर है 37 वीक्स। प्रीटर्म बेबी किसे बोलते हैं जिनका जन्म 37 वीक कंप्लीट होने 37 वीक्स या 259 डेज कंप्लीट होने के पहले ही यदि किसी बेबी का जन्म हो जाता है तो उसे हम प्रीटर्म बेबी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लिनिकली IUGR कैन बी क्लासिफाइड इनटू। ऑप्शन ए प्रीमैच्योर एंड डिसमैच्योर, ऑप्शन बी प्रीटर्म एंड पोस्ट टर्म, ऑप्शन सी नॉर्मल इन्फेंट एंड एबनॉर्मल इन्फेंट एंड ऑप्शन डी सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। IUGR का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन और इसे हम दो उसमें क्लासिफाइड कर सकते हैं सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या होता है कि सिमेट्रिकल में जब बेबी डिलीवर्ड होगा तो हमें उस जो बेबी का साइज़ रहेगा वो भी स्मॉल रहेगा और जो बेबी के ऑर्गेन हैं वो भी स्मॉल रहेंगे, मतलब दोनों में सिमेट्रिकल पाए जाएंगे IUGR। बट एसिमेट्रिकल IUGR होगा तो उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, जब बेबी डिलीवर्ड होगा तो उसका हेड जो है वो उसका साइज जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा बट उसके जो ऑल अदर ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो उनका साइज छोटा रहेगा। तो ये हो जाएगा एसिमेट्रिकल IUGR और इस प्रकार हम दोनों को डिफाइन करते हैं। तो जो IUGR क्लासिफाइड है वो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। थर्ड क्वेश्चन, इफ अ बेबी बॉर्न आफ्टर 43 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी नॉन इज। ऑप्शन ए प्रीमैच्योर, ऑप्शन बी पोस्ट मैच्योर, ऑप्शन सी नॉर्मल इन्फेंट एंड ऑप्शन डी एबनॉर्मल इन्फेंट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोस्ट मैच्योर। हमने देखा था यदि जो बेबी है बेबी का जन्म 37 वीक कंप्लीट होने के पहले हो जाता है, ये कंप्लीट होने के पहले हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्रीटर्म बेबी। बट यदि 42 वीक्स कंप्लीट होने के बाद यदि बेबी का जन्म हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं पोस्ट टर्म बेबी इन्फेंट। 37 वीक्स कंप्लीट होने के पहले यदि कि बेबी का जन्म हो रहा है तो वो प्रीटर्म बेबी कहलाता है, बट यदि 42 वीक्स कंप्लीट होने के बाद हो रहा है तो उसे हम पोस्ट मैच्योर इन्फेंट कहते हैं। और हमारे क्वेश्चन में वीक्स दिए हैं 43 जो 42 से ज़्यादा है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट मैच्योर इन्फेंट। क्वेश्चन नंबर 4, द इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ प्री टर्म नियोनेट इंक्लूड द फॉलोइंग। ऑप्शन ए कॉर्ड इज टू बी क्लैम्प्ड क्विकली, ऑप्शन बी कॉर्ड लेंथ इज कैप्ट लॉन्ग विल कटिंग एंड ऑप्शन सी एयर पैसेज शुड बी क्लीन्ड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो। जब प्रीटर्म बेबी होता है, प्रीटर्म बेबी कैसे कहते हैं जो 37 वीक्स कंप्लीट होने के पहले ही डिलीवर्ड हुआ है, जब ऐसा बेबी डिलीवर्ड होता है तो उसमें इमिडिएटली मैनेजमेंट में सबसे पहले तो हम उसकी कॉर्ड को क्लैंप करते हैं, फिर उसकी जो कॉर्ड की लेंथ रखी जाती है वो थोड़ी लॉन्ग से कटिंग की जाती है और जो उसका एयर पेसेज रहता है वो शुड बी क्लीन, वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि यदि एयर पेसेज क्लीन नहीं होगा तो बेबी को डिस्ट्रेस होगा, वो साइनस हो जाएगा, एपनिया में भी जा सकता है। ऑलरेडी उसके जो लंग्स रहते हैं वो प्रीमैच्योर रहते हैं जिसके कारण उसकी जो एल्वियोलाई है वो कॉलेप्स होने के चांस रहते हैं और ऐसे में हमें यदि एयर पैसेज उसे क्लीन नहीं रखेंगे तो बेबी
कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए तीनों ही ऑप्शन जो है वो इमीडिएट मैनेजमेंट में आते हैं नियोनेट के, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबो। क्वेश्चन नंबर 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइन ऑफ ए पोस्ट मैच्योर बेबी। ऑप्शन ए स्मूथ स्किन, ऑप्शन बी लॉन्ग ब्रिटल फिंगर नेल्स, ऑप्शन डी ऑप्शन सी वेल डेवलप्ड आईब्रोज एंड ऑप्शन डी क्रीजेस इन दी सोल ऑफ फीट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पोस्ट मैच्योर बेबी किसे बोलते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं, तो जो 42 वीक्स के बाद होते हैं जी, वो सारे बेबी जिनका जन्म 42 वीक्स के बाद होता है वो पोस्टम बेबी कहलाते हैं। अब जो पोस्टम बेबी रहते हैं उनके जो नेल्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, लॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि टर्म बेबी से वो ज़्यादा समय में डिलीवर्ड हो रहे हैं, तो ऐसे में उनके जो नेल्स रहते हैं वो लॉन्ग हो जाते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉन्ग ब्रिटल फिंगर नेल्स। तो आइए हम देखते हैं जो पोस्टम बेबी रहता है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो फर्स्ट हमें दिखाई देगा हाइपोग्लाइसीमिया, जो पोस्टम बेबी है मतलब जो 42 वीक्स के बाद डिलीवर्ड हुआ है तो उसमें हमें हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। फिंगर नेल्स लॉन्ग हो जाएंगे, उसके जो फिंगर नेल्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, लॉन्ग रहेंगे। डेंस हैवी हेयर ऑन स्काल्प, जो इसके स्काल्प रहेगी उस पर हमें डेंस हैवी हेयर दिखाई देंगे। पीलिंग स्किल हो जाएगी और मिकेनियम स्टैंड नेल्स एंड अम्ब्लाइकल कोड, उसके जो नेल्स रहेंगे और जो अम्ब्लाइकल कोड रहेगी वह भी मिकेनियम स्टैंड हो जाएगी। 6th क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड बाय पोस्टम नियोनेटल विथ मिकेनियम एस्पिरेशन। ऑप्शन ए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ऑप्शन सी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम एंड ऑप्शन डी यूरिनरी प्रॉब्लम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। जब कोई बेबी डिलीवर्ड हुआ है और वो म्यूकेनियम एस्पिरेशन ही है, उसने म्यूकेनियम को एस्पिरेट कर लिया है, तो उसमें जो हमें मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दिखाई देगी है वो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब उसे जो सांस लेना, उसके जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसमें उसे डिफ़िकल्टी होगी, उसे डिस्ट्रेस होने लगेगा। 7th क्वेश्चन, अ वूमन हैज़ गिवन बर्थ एट 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, व्हेन असेसिंग द नियोनेट विच फिजिकल फाइंडिंग। क्वेश्चन में बोला गया है एक व्यूमन ने बेबी का बेबी डिलीवर्ड हुआ है 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे, तो जब हम नियोनेट के फिजिकल फाइंडिंग देख रहे हैं या हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं तो हमें उसमें क्या दिखेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्लीपी लिथार्जिक बेबी, ऑप्शन बी वर्निक्स कैसियोसा कवरिंग बॉडी, ऑप्शन सी डिस्क्वामेशन ऑफ एपिडर्मिस एंड ऑप्शन डी लेलिंगो कवरिंग बॉडी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिस्क्वामेशन ऑफ एपिडर्मिस। अभी हमने जब पोस्टम बेबी जो रहता है जो 42 वीक्स कंप्लीट होने या 42 वीक्स के बाद डिलीवर्ड होता है उसका जब हमने असेसमेंट के लिए फाइंडिंग देखी थी तो हमने उसमें एक देखा था पीलिंग स्किन को ही हम डिस्क्वामेशन ऑफ एपिडर्मिस कहते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिस्क्वामेशन ऑफ एपिडर्मिस।